यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका की भूमिका की बात की जाए तो चीयर लीडर से ज्यादा नजर नहीं आती। अमेरिका दिखाने के लिए तो मैदान में है, लेकिन वो यूक्रेन की सीमा में उतरने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तालियां बजाकर यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सीधे खुद युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलनायक साबित करने के लिए वो इतने डायलॉग मार चुके हैं कि अब तक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी झुंझुलाहट होने लगी है। यूक्रेन पर रूस की सेना आग बरसा रही है। और यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कूटनीति के चूल्हे पर बयानों की रोटी सेकने में जुटे हैं। पुतिन अब जल्द से जल्द यूक्रेन को परास्त करने के मिशन पर हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों का वजूद मिटाने पर आमादा है, लेकिन जो बाइडेन बयानों के बम गिराकर ही खुश हैं। वो मान चुके हैं कि अमेरिका और उनके मित्र देशों की आर्थिक पाबंदियों से रूस हार जाएगा और यूक्रेन जीत जाएगा। युद्ध के छठे दिन जब कीव के लोग कलप रहे थे, तब जो बाइडेन वहां से लगभग 7800 किलोमीटर दूर अमेरिकी संसद के सामने स्टेट ऑफ यूनियन में पुतिन को कोसकर अपनी जीत का हवाई किला बना रहे थे। Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. यूक्रेन पर उस वक्त रूस की सेना गोले बरसा रही थी और जो बाइडेन यूक्रेन की बहादुरी पर तालियां बजवा रहे थे। रूस की हर गोली का जवाब बाइडेन पहले भी गोलियों से दे रहे थे और स्टेट ऑफ द यूनियन में भी उन्होंने जुबान सही मिसाइल दागी। पुतिन's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. रूस पर हमले के पहले ही बाइडेन अपने बयान बहादुर अवतार में आ चुके थे। वो पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और जाने क्या क्या उपाधि दे चुके थे। इस बार यूक्रेन के लोगों को उम्मीद थी कि पुतिन पर बाइडेन का हमला सिर्फ बयानों तक ही नहीं सिमटेगा। इसलिए बाइडेन के बयान से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया। ये बयान नहीं था बल्कि बाइडेन से गुहार थी कि वो आखिर कब तक यूक्रेन को रूस जैसे पहाड़ से लड़ने के लिए अकेला छोड़ेंगे। Багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією, ми просто не зможемо. Партнери, якщо вони не готові брати Україну в НАТО, і якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільні для України. Володимир Зеленський के बयान में यूक्रेन की बेबसी किसी से छुपी नहीं थी। वो वही बता रहे थे जो सच था कि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस का सामना अकेले कर सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका बचा खुचा भ्रम भी तोड़ दिया। But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons,
ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो यूक्रेन को नेटो से दूर रखना चाहता है। हमले से पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद और रूस को सबक सिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की, वो लगातार यूक्रेन को उकसा रहे थे कि वो नेटो में आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला करने वाला रूस कौन होता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पुतिन पर मुंह जबानी इतने प्रहार किए कि यूक्रेन को भ्रम हो गया कि वो रूस की सेना से भी निपट लेगा। उसी भ्रम में उसने पुतिन की चेतावनी भी अनदेखी की। अब रूस के खिलाफ लड़ाई में जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो पता चला कि अमेरिका के लिए यूक्रेन सिर्फ एक ढाल है जिसे वो नेटो के सदस्यों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी सच्चाई भी यूक्रेन को समझ में आने लगी है। उसे पता चल चुका है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से रूस चाहे जितना भी कमजोर हो जाए उससे यूक्रेन का कोई भला नहीं होने वाला। अपनी आर्थिक बर्बादी से पहले रूस की सेना यूक्रेन को बर्बाद करके ही मानेगी, ये सच्चाई अब यूक्रेन के सामने आ चुकी है। और बयान बहादुर बाइडेन तो उसे बता ही चुके हैं कि लड़ाई यूक्रेन को अकेले ही लड़नी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.